पाल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इस वीडियो में क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड हिंदी की क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 का है, इसका एग्ज़ाम कल ही हुआ है और हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया है। तो ये ई सेट है, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 4, यानी कि इसमें प्रिंटेड पेजेस 4 होंगे। रोल नंबर आपको लिखना होगा सबसे पहले आपकी उत्तर पुस्तिका पर। कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2018-19, सब्जेक्ट हिंदी, प्रतिभा पुस्तक का नाम है। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन सी हिंदी की किताब है, आपको ये फॉलो करना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया है। क्लास 6 है, टाइम अलाउड इसमें निर्धारित समय 2.5 घंटे दिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स हैं। सामान्य निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। प्रत्येक उत्तर लिखने के बाद एक या दो लाइन छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखिए। यह प्रश्न पत्र प्रतिभा समूह के लिए है। पहला प्रश्न है खंड क से, जो कि अपठित अंश। ये एक गद्यांश है, इसको अच्छे से आपको केयरफुली पढ़ना है, पढ़कर आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। भारतवर्ष एक विशाल देश है, इसकी सीमाएं अति विस्तृत हैं। उत्तर में पर्वतराज हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत भूभाग इसकी विशालता का परिचायक है। विभिन्न धर्मों के लोग, विविध प्रजातियां और जातियां, अलग अलग वेशभूषा, खान पान एवं कला और संस्कृति इसकी विशेषता है। इतनी विविधताओं के बावजूद भी एकता भारतवर्ष की पहचान है। विश्व के किसी भी देश में इतनी विविधताएं नहीं है। यही कारण है कि विविधता में एकता हमारे देश के लिए आदर्श वाक्य है। ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है, पर्वतराज हिमालय हमारे देश के किस दिशा में है? तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में पर्वतराज हिमालय, तो आपको उत्तर लिखना है पर्वतराज हिमालय हमारे देश के उत्तर दिशा में है। दूसरा प्रश्न है, गुजरात देश के किस दिशा का सीमावर्ती राज्य है? तो आपको लिखना है गुजरात देश के पश्चिमी दिशा का सीमावर्ती राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिण दिशा में क्या अवस्थित है? तो दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। भारतीय विविधता के किन्हीं दो आधारों के नाम लिखिए। तो विविधताएं के दो आधार हैं, विविध प्रजातियां और जातियां एक, और अलग अलग वेशभूषा, ये दो आधार हैं, ये लिखना है। पांचवा प्रश्न है, हमारे देश की विशिष्टता का आदर्श क्या है? तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे देश की विशिष्टता का आदर्श विविधता में एकता है। इतना आपको उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स के हैं। ये एक कविता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बच्चे हम भारत माता के, सभी प्यार से रहते, कभी न लड़ते हम आपस में और खेलते रहते। जात ना माने पात ना माने, भाई हैं आपस में। ऊंच नीच को हम न जाने, भेद करे ना जग में। कभी लगी है चोट किसी को, हम सब संग दौड़ेंगे, प्राथमिक चिकित्सा करके उसको घर छोड़ेंगे। विद्यालय हम प्रतिदिन जाते, बहुत ध्यान से पढ़ते, जो भी समझाते शिक्षक बिना शोर के सुनते। तो हम किसके बच्चे हैं? हम भारत माँ के बच्चे हैं। बच्चे आपस में कैसे रहते हैं? बच्चे आपस में प्यार से रहते हैं। बचपन में क्या ना जानने या मानने की बातें कही गई हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, जात ना माने पात ना माने, ऊंच नीच को हम ना जाने। तो आपको इसका उत्तर लिखना है, बचपन में
जात पात ना जानने और ऊंच नीच ना मानने की बातें कही गई हैं। जब किसी साथी को चोट लग जाती है अन्य बच्चे क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखना है हम सब दौड़ेंगे। तो जब किसी साथी को चोट लग जाती है तो अन्य बच्चे दौड़कर प्राथमिक चिकित्सा करके उसको घर छोड़ते हैं। बच्चे विद्यालय क्यों जाते हैं, तो बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं। खंड ख व्यवहारिक व्याकरण से है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छांटकर लिखिए। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द आपको लिखना है। सर्वनाम नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह अपने माता पिता की बात मानता है, तो वह हमने जो लगाया है तो राम के स्थान पर हुआ है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम हो गया। तो इसी प्रकार तुम गीत गा रहे हो, तो यहाँ पर तुम जो शब्द है वो सर्वनाम है। हम लोग खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पर सर्वनाम है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पिताजी आता है, ऐसा नहीं लिखना है, पिताजी आते हैं ऐसा लिखते हैं सही करके। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है हमें बड़ों के आदर करने चाहिए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। एक एक मार्क्स के हैं, दो हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा एक वचन में है, बहुवचन में घोड़े दौड़ रहे हैं। हम लोग बाजार गए थे, तो हम यानी कि काफ़ी सारे लोग, और हम का एक वचन होता है मैं, तो मैं बाजार गया था, ऐसा आपको लिखना है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं के लिपि का नाम लिखिए। ये अंग्रेजी और संस्कृत भाषा है, इनकी लिपि का नाम लिखना है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सूर्यास्त और प्रशंसा, सूर्यास्त का सूर्योदय और प्रशंसा का निंदा। इसी प्रकार खंड ग पाठ्यपुस्तक से है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दो दो मार्क्स के हैं, छह प्रश्न इसमें हैं, किन्हीं पांच प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। इसी प्रकार नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीन तीन मार्क्स के हैं, दो प्रश्न आपको इसमें से लिखना है। दसवां प्रश्न है, झांसी की रानी की वीरता अपने शब्दों में लिखिए। चार मार्क्स के हैं, बड़ा प्रश्न है, या तो फिर आप बांस के महत्व पर विचार व्यक्त कीजिए, इस प्रश्न को भी कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 125 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय मित्र, वृक्षारोपण, पुस्तकालय, इन तीनों में से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, अपने विद्यालय में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। पत्र आप लिख सकते हैं, या इसके स्थान पर आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता तो इसको कर सकते हैं। अपने भाई को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए, इन दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं। ये था हमारा क्लास 6 CBSE बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2019 का था। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।